अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की घरानों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल से तो इससे भरपूर होने वाली है। आज फिर मैं आपको ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि तहनियत की और मुर्तजा की शादी एट डेट हो ही गई है, लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही नूरुलैन। नूरुलैन यही चाह रही थी अपनी ख्वाहिशात, अपने जो ख्वाब है उसको, उनके अपने ड्रीम्स को जो है वो पूरा करे, उसके बाद ही वो शादी करे मुर्तजा से। लेकिन मुर्तजा ये बात बिल्कुल पसंद नहीं करता और वो मुर्तजा बिल्कुल बात पसंद नहीं करता, वो तहनियत से शादी कर लेगा। यानी मुर्तजा और तहनियत की शादी हो जाने के बाद एट दिन वो घूमने फिरने के लिए हनीमून के लिए बाहर जाएंगे और ये सब कुछ देख के नूरुलऐन भी वहीं पीछे पीछे चली जाएगी। जबकि नूरुलऐन के वालिद ने उसको यही बताया है कि बेटा जिस चीज़ से तुम पीछे भाग रही हो वो रास्ता बहुत तावील है, बहुत दूर है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तुम थक जाओगी। जबकि दूसरी तरफ जो मुर्तजा है वो तहनियत के साथ इंजॉय कर रहा है, चलते चलते थक जाती है तहनियत, तो मुर्तजा यही कहता है कि अभी तो रास्ता बहुत तवील है और हमने एक दूसरे के साथ हमसफर होके साथ जिंदगी के हर कदम पे चलना है, अगर तुम अभी से ही थक गई तो आगे चल के मेरा किस तरह से साथ दोगी। यानी तहनियत जो है वो बहुत समझदार लड़की है, बहुत मैच्योर है और हर रिश्ते को, हर सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल कर रही है। लेकिन वहीं पर नूरुलऐन आ जाएगी और नूरुलऐन यही कहेगी मुर्तजा से कि मुर्तजा मैं अभी भी तुम्हें दिलो जान से पसंद करती हूँ, तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ये बात सुन के मुर्तजा यही कहेगा नूरुलऐन से, नूरुलऐन ये बात सच है कि मैं तुम्हें बुला नहीं पा रहा, लेकिन ये बात भी सच है कि मेरी शादी जो है वो तहनियत से हो चुकी है और यही रियलिटी है, तुम भी इसको समझने की, एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि मुर्तजा यही कहेगा तहनियत से कि तहनियत जितना हो सकेगा मैं तुम्हारा हक अदा करूँगा और तुम्हें खुश रखने की भरपूर कोशिश करूँगा, किसी भी किस्म की शिकायत की कोशिश नहीं होने दूँगा, हर मुमकिन कोशिश करूँगा तुम्हें खुश रखने की। तहनियत बहुत खुश है। जिसके बाद तहनियत यही कहेगी मुर्तजा से कि मुझे बार बार रियलाइज़ होता है, मैं शर्मिंदा होती हूँ कि मैं आपके और नूरुलऐन के दरमियान में आ गई हूँ बिला वजह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मुर्तजा उसकी बात को ख़त्म कर देगा। और एट दी नाज़रीन आप देखेंगे कि नूरुलऐन उनके कमरे में भी आ जाएगी और नूरुलऐन यही कहेगी कि हाँ मानती हूँ कि मैं पसंद करती हूँ मुर्तजा को, लेकिन मेरे ख्वाबों पर मेरी पसंद की तरजीह कोई नहीं है, यानी मेरे ख्वाब की तरजीह बहुत ज़्यादा है। ये बात सुन के नूरुलऐन की बेचारा मुर्तजा और ज़्यादा दुखी परेशान सा हो गया है। यानी ड्रामा नाज़रीन तेरी भी तेरे इन नाज़रीन ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल की होने वाली है। आपको ये ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं आपने अपनी कीमत रेट का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की घरानों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल से तो इससे भरपूर होने वाली है। आज फिर मैं आपको ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि तहनियत की और मुर्तजा की शादी एट डेट हो ही गई है, लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही नूरुलऐन। नूरुलऐन यही चाह रही थी अपनी ख्वाहिशात, अपने जो ख्वाब है उसको, उनके अपने ड्रीम्स को जो है वो पूरा करे, उसके बाद ही वो शादी करे मुर्तजा से। लेकिन मुर्तजा ये बात बिल्कुल पसंद नहीं करता और वो मुर्तजा बिल्कुल बात पसंद नहीं करता, वो तहनियत से शादी कर लेगा। यानी मुर्तजा और तहनियत की शादी हो जाने के बाद एट दिन वो घूमने फिरने के लिए हनीमून के लिए बाहर जाएंगे और ये सब कुछ देख के नूरुलऐन भी वहीं पीछे पीछे चली जाएगी। जबकि नूरुलऐन के वालिद ने उसको यही बताया है कि बेटा जिस चीज़ से तुम पीछे भाग रही हो वो रास्ता बहुत तावील है, बहुत दूर है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तुम थक जाओगी। जबकि दूसरी तरफ जो मुर्तजा है वो तहनियत के साथ इंजॉय कर रहा है, चलते चलते थक जाती है तहनियत, तो मुर्तजा यही कहता है कि अभी तो रास्ता बहुत तवील है और हमने एक दूसरे के साथ हमसफर होके साथ जिंदगी के हर कदम पे चलना है, अगर तुम अभी से ही थक गई तो आगे चल के मेरा किस तरह से साथ दोगी। यानी तहनियत जो है वो बहुत समझदार लड़की है, बहुत मैच्योर है और हर रिश्ते को, हर सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल कर रही है।
लेकिन वहीं पर नूरुल ऐन आ जाएगी और नूरुल ऐन यही कहेगी मुर्तजा से कि मुर्तजा मैं अभी भी तुम्हें दिलो जान से पसंद करती हूँ, तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ये बात सुन के मुर्तजा यही कहेगा नूरुल ऐन से, नूरुल ऐन ये बात सच है कि मैं तुम्हें बुला नहीं पा रहा, लेकिन ये बात भी सच है कि मेरी शादी जो है वो तहनियत से हो चुकी है और यही रियलिटी है, तुम भी इसको समझने की एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि मुर्तजा यही कहेगा तहनियत से कि तहनियत जितना हो सकेगा मैं तुम्हारा हक अदा करूँगा और तुम्हें खुश रखने की भरपूर कोशिश करूँगा, किसी भी किस्म की शिकायत की कोशिश नहीं होने दूँगा, हर मुमकिन कोशिश करूँगा तुम्हें खुश रखने की, तहनियत बहुत खुश है। जिसके बाद तहनियत यही कहेगी मुर्तजा से कि मुझे बार बार रियलाइज होता है, मैं शर्मिंदा होती हूँ कि मैं आपके और नूरुल ऐन के दरमियान में आ गई हूँ बिला वजह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुर्तजा उसकी बात को ख़त्म कर देगा और एट दी नाज़रीन आप देखेंगे कि नूरुल ऐन उनके कमरे में भी आ जाएगी और नूरुल ऐन यही कहेगी कि हाँ मानती हूँ कि मैं पसंद करती हूँ मुर्तजा को, लेकिन मेरे ख्वाबों पे मेरी पसंद की तरजीह कोई नहीं है, यानी मेरे ख्वाब की तरजीह बहुत ज़्यादा है। ये बात सुन के नूरुल ऐन की बेचारा मुर्तजा और ज़्यादा दुखी परेशान सा हो गया है। यानी ड्रामा नाज़रीन तेरी भी तेरे इन नाज़रीन ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल की होने वाली है। आपको ये ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल से तो इससे भरपूर होने वाली है। आज फिर मैं आपको ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि तहनियत की और मुर्तजा की शादी एट डेट हो ही गई है, लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही नूरुल ऐन। नूरुल ऐन यही चाह रही थी अपनी ख्वाहिशात, अपने जो ख्वाब है उसको, उनके अपने ड्रीम्स को जो है वो पूरा करे, उसके बाद ही वो शादी करे मुर्तजा से। लेकिन मुर्तजा से ये बात बिल्कुल पसंद नहीं करता और वो इर्तजा यानी मुर्तजा ये बिल्कुल बात पसंद नहीं करता, वो तहनियत से शादी कर लेगा। यानी मुर्तजा और तहनियत की शादी हो जाने के बाद एट दिन वो घूमने फिरने के लिए हनीमून के लिए बाहर जाएंगे और ये सब कुछ देख के नूरुल ऐन भी वहीं पीछे पीछे चली जाएगी, जबकि नूरुल ऐन के वालिद ने उसको यही बताया है कि बेटा जिस चीज़ से तुम पीछे भाग रही हो वो रास्ता बहुत तावील है, बहुत दूर है, वहाँ तो पहुँचते पहुँचते तुम थक जाओगी। जबकि दूसरी तरफ जो मुर्तजा है वो तहनियत के साथ इंजॉय कर रहा है, चलते चलते थक जाती है तहनियत, तो मुर्तजा यही कहता है कि अभी तो रास्ता बहुत तवील है और हमने एक दूसरे के साथ हमसफर होके साथ ज़िंदगी के हर कदम पे चलना है, अगर तुम अभी से ही थक गई तो आगे चल के मेरा किस तरह से साथ दोगी। यानी तहनियत जो है बहुत समझदार लड़की है, बहुत मैच्योर है और हर रिश्ते को हर सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल कर रही है। लेकिन वहीं पर नूरुल ऐन आ जाएगी और नूरुल ऐन यही कहेगी मुर्तजा से कि मुर्तजा मैं अभी भी तुम्हें दिलो जान से पसंद करती हूँ, तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ये बात सुन के मुर्तजा यही कहेगा नूरुल ऐन से, नूरुल ऐन ये बात सच है कि मैं तुम्हें बुला नहीं पा रहा, लेकिन ये बात भी सच है कि मेरी शादी जो है वो तहनियत से हो चुकी है और यही रियलिटी है, तुम भी इसको समझने की एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि मुर्तजा यही कहेगा तहनियत से कि तहनियत जितना हो सकेगा मैं तुम्हारा हक अदा करूँगा और तुम्हें खुश रखने की भरपूर कोशिश करूँगा, किसी भी किस्म की शिकायत की कोशिश नहीं होने दूँगा, हर मुमकिन कोशिश करूँगा तुम्हें खुश रखने की, तहनियत बहुत खुश है। जिसके बाद तहनियत यही कहेगी मुर्तजा से कि मुझे बार बार रियलाइज़ होता है, मैं शर्मिंदा होती हूँ कि मैं आपके और नूरुल ऐन के दरमियान में आ गई हूँ बिला वजह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुर्तजा उसकी बात को ख़त्म कर देगा और एट दी नाज़रीन आप देखेंगे कि नूरुल ऐन उनके कमरे में भी आ जाएगी और नूरुल ऐन यही कहेगी कि हाँ मानती हूँ कि मैं पसंद करती हूँ मुर्तजा को, लेकिन मेरे ख्वाबों पे मेरी पसंद की तरजीह कोई नहीं है, यानी मेरे ख्वाब की तरजीह बहुत ज़्यादा है। ये बात सुन के नूरुल ऐन की बेचारा मुर्तजा और ज़्यादा दुखी परेशान सा हो गया है। यानी ड्रामा नाज़रीन तेरी भी तेरे
इन नाज़रीन ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल की होने वाली है। आपको ये ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल से तो इससे भरपूर होने वाली है। आज फिर मैं आपको ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि तहनियत की और मुर्तजा की शादी एट डेट हो ही गई है, लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही नूरुलैन। नूरुलैन यही चाह रही थी अपनी ख्वाहिशात, अपने जो ख्वाब है उसको, उनके अपने ड्रीम्स को जो है वो पूरा करे, उसके बाद ही वो शादी करे मुर्तजा से। लेकिन मुर्तजा से ये बात बिल्कुल पसंद नहीं करता और वो इर्तजा यानी मुर्तजा से बिल्कुल बात पसंद नहीं करता, वो तहनिया से शादी कर लेगा। यानी मुर्तजा और तहनिया की शादी हो जाने के बाद एट दिन वो घूमने फिरने के लिए हनीमून के लिए बाहर जाएंगे और ये सब कुछ देख के नूरुल ऐन भी वहीं पीछे पीछे चली जाएगी। जबकि नूरुल ऐन के वालिद ने उसको यही बताया है कि बेटा जिस चीज़ से तुम पीछे भाग रही हो वो रास्ता बहुत तावील है, बहुत दूर है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तुम थक जाओगी। जबकि दूसरी तरफ जो मुर्तजा है वो तहनियत के साथ इंजॉय कर रहा है, चलते थक जाती है तहनियत, तो मुर्तजा यही कहता है कि अभी तो रास्ता बहुत तवील है और हमने एक दूसरे के साथ हमसफर होके साथ जिंदगी के हर कदम पे चलना है, अगर तुम अभी से ही थक गई तो आगे चल के मेरा किस तरह से साथ दोगी। यानी तहनियत जो है बहुत समझदार लड़की है, बहुत मिच्योर है और हर रिश्ते को हर सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल कर रही है। लेकिन वहीं पर नूरुल ऐन आ जाएगी और नूरुल ऐन यही कहेगी मुर्तजा से कि मुर्तजा मैं अभी भी तुम्हें दिलो जान से पसंद करती हूँ, तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ये बात सुन के मुर्तजा यही कहेगा नूरुल ऐन से, नूरुल ऐन ये बात सच है कि मैं तुम्हें बुला नहीं पा रहा, लेकिन ये बात भी सच है कि मेरी शादी जो है वो तहनियत से हो चुकी है और यही रियलिटी है, तुम भी इसको समझने की एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि मुर्तजा यही कहेगा तहनियत से कि तहनियत जितना हो सकेगा मैं तुम्हारा हक अदा करूँगा और तुम्हें खुश रखने की भरपूर कोशिश करूँगा, किसी भी किस्म की शिकायत की कोशिश नहीं होने दूंगा, हर मुमकिन कोशिश करूँगा तुम्हें खुश रखने की, तहनियत बहुत खुश है। जिसके बाद तहनियत यही कहेगी मुर्तजा से कि मुझे बार बार रियलाइज़ होता है, मैं शर्मिंदा होती हूँ कि मैं आपके और नूरुल ऐन के दरमियान में आ गई हूँ बिला वजह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मुर्तजा उसकी बात को ख़त्म कर देगा। और एट दी नाज़रीन आप देखेंगे कि नूरुल ऐन उनके कमरे में भी आ जाएगी और नूरुल ऐन यही कहेगी कि हाँ मानती हूँ कि मैं पसंद करती हूँ मुर्तजा को, लेकिन मेरे ख्वाबों पे मेरी पसंद की तरजीह कोई नहीं है, यानी मेरे ख्वाब की तरजीह बहुत ज़्यादा है। ये बात सुन के नूरुल ऐन की बेचारा मुर्तजा और सा दुखी परेशान सा हो गया है। यानी ड्रामा नाज़रीन तेरी भी तेरे इन नाज़रीन ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल की होने वाली है। आपको ये ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।